लाइन के जरिए। दीपक जी नमस्कार, क्या सवाल है आपका, पूछिए। मैम मेरे पास ना IEX के 650 शेयर थे, मैंने दिसंबर 2021 में 277 रुपीज में लिए थे। अब इसका मैंने एवरेज आउट करके 154 पे आ गया, 6450 मेरे पास टोटल शेयर है। ये मैंने सारे जो भी शेयर लिए हैं लिमिट उठा के लिए हैं, तो मेरे को ये अब कैरी ऑन करना चाहिए, कैसे करना चाहिए? अभी भी मेरा 1 लाख का नेगेटिव बैलेंस है इस शेयर में। बिल्कुल, हम दे भी पा रहे हैं आपको, नुकसान भी काफी हो चुका है, 1 साल से होल्ड कर रहे हैं आप और एवरेज भी, ये एवरेज प्राइस है 154 रुपए। 1 साल पहले तो जो कि लेवल आप बता रहे हैं ये 200 के ऊपर ही ट्रेड कर रहा था। रवि आप ही सजेस्ट करिए, पिछले 1 साल में स्टॉक पे हम लगातार डाउन परफॉर्मेंस ही देख रहे हैं और इतना समय ये दे भी चुके हैं, 200 के ऊपर लिया था और 1 साल में अगर देखेंगे तो करीब करीब 40% से ज्यादा की गिरावट इस स्टॉक में देखने को मिल चुकी है और इनको भी नुकसान काफी ज्यादा हो चुका है, करीब करीब 1 लाख रुपए के आसपास का नुकसान इनको झेलना पड़ रहा है स्टॉक में। बने रहने की राय देंगे या कुछ आपको संकेत दिख रहे हैं कि थोड़ा बहुत भी प्राइस में अगर उछाल आता है तो निकल जाने की राय देंगे, कैसी लग रही है आपको कंपनी, आगे का आउटलुक क्या शेयर करेंगे IEX को लेकर? देखिए सबसे बड़ी बात है कि IEX के अगर देखा जाए तो ओवरऑल फंडामेंटली स्ट्रांग है, डेट फ्री कंपनी है, लेकिन कहीं ना कहीं से ग्रोथ को प्रॉस्पेक्ट को लेकर के स्टॉक में बड़ी गिरावट देखने को मिली। लेकिन मैं ये कहूंगा कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप यहां से अभी थोड़ी सी पोजीशन होल्ड करके रखिए, 154 का आपका एवरेज है, 6000 से ऊपर के शेयर हैं और अप साइड के मोमेंटम में ये 3 से 4 महीने में आपको 160 रुपए के लक्ष्य दिखा सकता है और इतना दमखम डिस्कनेक्ट चलो। ठीक है, IEX पर व्यू कुछ दिक्कतें हो रही हैं।